हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ईद पे खाए जाने वाली एक बहुत ही टेस्टी और यमी रेसिपी। आज मैं बनाऊंगी मीठी ईद पे खाए जाने वाले जर्दे की रेसिपी। आप इसे बिना किसी फेस्टिवल के भी बना सकते हैं, बहुत ही यमी बनता है और झटपट बन भी जाता है। और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आता है, इसका कलरफुल रंग बहुत बच्चों को पसंद आता है। देखिए कितना बढ़िया और यमी ये लग रहा है। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आप जर्दा बनाने के लिए सबसे पहले गैस पे मैंने एक पैन रख दिया है और उसमें मैं 1 लीटर पानी जो है ना वो ऐड कर रही हूँ। पूरी 1 लीटर की बोतल थी जो मैंने पैन में ऐड कर दिया है सारा पानी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इसके लिए हम राइस को बॉईल कर लेंगे। अगर आपके पास सेला राइस हो तो बेस्ट है, अदरवाइज जो चावल आपके पास अवेलेबल हो ना आप उससे ये जर्दा पुलाव बना सकते हैं। ये सबसे आसान रेसिपी है और झटपट बन भी जाती है। तो पानी में ना मैं यहाँ पे फोड़ कर इलायची ऐड कर रही हूँ। इलायची का जो फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छा लगता है जर्दा पुलाव में। और इसे ना अच्छे से मैं बॉईल आने तक पका लूँगी। तो इसे ढककर हम बॉईल आने तक पका लेंगे। अब मैंने यहाँ पे चावल ले लिए हैं, 1 कप चावल हैं जिन्हें मैंने 15 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था अच्छे से वॉश करने के बाद। आइए अब पानी को भी चेक कर लेते हैं। देखिए पानी में हल्का हल्का सा जो है ना पानी गर्म होना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 लौंग, 2 इलायची मैंने ऐड की थी इसी के साथ, 2 लौंग, और फिर से इसे मैं ढक दूंगी और अब मैं इसमें अच्छा सा एक उबाल आने दूंगी। और देखिए पानी में जो है ना वो उबाल आ गया है, बढ़िया से पानी बॉईल हो गया है। तो इस स्टेज पर अब मैं इसमें वो चावल ऐड कर दूंगी जो हमने भिगोकर अच्छे से वॉश करके रखे हुए थे। चावल ऐड करने के बाद अब इसे एक बार हम चला देंगे और फिर हम इसे ढक देंगे। तो सारे चावल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, एक बार इसे चला लें और फिर इसे ढक दें। इस तरह से जब हम चावल बनाते हैं ना तो चावल खिले खिले भी बनते हैं और चावल का दाना जो है ना वो टूटता भी नहीं है। तो जब भी जर्दा पुलाव बनाएं ना आप इसी तरह से पहले चावल को बॉईल करें, चाहे तो इसमें थोड़ा सा घी भी ऐड कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जो चावल है हमारे बढ़िया से जो है ना वो पक गए हैं। आप देख सकते हैं चावल का एक एक दाना अलग हो गया है। तो 10 मिनट में आपके चावल जो है ना वो पक जाते हैं। देखिए इस तरह से चावल तोड़ के देख लें, देखिए चावल का जो दाना है ना बढ़िया से गल गया है। आप चाहें तो इससे थोड़ा सा और इसे गला सकते हैं, लेकिन फिर जब आप जर्दा पुलाव बनाना शुरू करेंगे ना तो चावल का दाना जो है वो टूट सकता है। इसलिए ये परफेक्ट स्टेज है जब चावल जो है 2 हिस्सों में आसानी से टूट जाए, यानी कि 98% चावल जो है ना हमारे यहाँ पे गले हुए हैं। तो अभी ये सारा पानी मैं चावलों में से निकाल दूंगी, सारे पानी को स्ट्रेन कर दूंगी और चावल अलग कर लूंगी। फिर से मैंने एक गैस पे पैन रख दिया है और अब हम जो है जर्दा पुलाव का तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए इसमें मैं ऐड कर दूंगी घी। तो जर्दा पुलाव ना घी में ही बहुत यमी बनता है और इसे हेल्दी भी होता है। घी खाने में हेल्दी भी होता है, अच्छा भी होता है और ये घर का घी बना हुआ है। जल्द ही मैं आपके साथ घी किस तरह से बनाया जाता है ना उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो आप चैनल के साथ इसी तरह से जुड़े रहें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और देखिए घी जो है ना अच्छे से गर्म हो गया है, आप देख सकते हैं घी बढ़िया से यहाँ पे गर्म हो गया है। तो घी को हमें अच्छे से ना पहले गर्म होने देना है। ठंडे घी में अगर आप चीज़ें ऐड कर देंगे ना तो वो कच्ची रह सकती हैं, इसलिए पहले घी को अच्छे से गर्म होने दें। और अब हम इसमें ना ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं चॉप्ड बादाम, चॉप्ड काजू, आप चाहें तो इसमें किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ बादाम और काजू ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इन्हें बढ़िया से सॉटे कर लूँगी। सो ऐसा करने से ना एक क्रंचीनेस आ जाती है हमारे नट्स में और ये जर्दे पुलाव के टेस्ट को ना और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इन्हें हल्का सा यहाँ पर सॉटे करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस 1 से आधी मिनट के लिए सॉटे कर लें और फिर इन्हें निकाल दें। तो देखिए यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना हमारे सॉटे हो गए हैं, अब मैं इन्हें बाहर निकाल लूँगी। हल्का सा काजू का कलर जो है ना वो चेंज हो जाए, बस इतना ही हमें इन्हें पकाना है। तो फ्रेंड्स ईद आने वाली है, ईद पे जर्दा पुलाव हर घर में बनाया जाता है, तो आप इस तरीके से एक बार बना करके देखें, बहुत ही यमी बनता है, बहुत ही डिलीशियस बनता है और बनाना बेहद आसान है। और सबसे बड़ी बात ना इसे बनाने में बहुत कम टाइम का यूज़ होता है, तो फटाफट से आप इसे बना सकते हैं। अगर आपके घर पर बहुत सारे गेस्ट आ जाएँ तो आप फटाफट से ये जर्दा पुलाव बना करके उन्हें सर्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने चावल को ना स्ट्रेन कर लिया है, सारा पानी मैंने
चावल का स्ट्रेन कर दिया है, तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चावल। और देखिए घी एकदम गरम है, तो गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पे लो कर दी है ताकि चावल ऐड करते ही वो जले ना। और चावल को ना मैं इस तरह से स्प्रेड कर रही हूँ, बहुत हल्के हाथ से हमें चावल के साथ इस टाइम पे काम करना है क्योंकि चावल का दाना जो है ना वो टूट सकता है। और यहाँ मैंने ऐड कर दी है चीनी, तो चीनी मैंने आधा कप ऐड की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ना चीनी की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना मीठा आपको पसंद हो उस हिसाब से चीनी की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर ले, लेकिन मैं कम मीठा खाती हूँ इसीलिए मैं आधा कप जो चीनी है वो इसमें ऐड कर रही हूँ। और चीनी ऐड करने के बाद ना बहुत ही हल्के हाथ से मैं इसे यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ। तो चावल को ना हमें बहुत लाइटली हैंडल करना है, अगर चावल को आप बहुत ज़्यादा तेज़ चलाएंगे ना तो चावल के दाने टूट सकते हैं, और ज़र्दा पुलाव ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता टूटे हुए चावलों में। तो इसे बहुत ही हल्के हाथ से, आप देख सकते हैं मैं कितने हल्के हाथ से इस पर ना करछी चला रही हूँ, तो इसी तरह से हल्के हाथ से चावल को हैंडल करें। और फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस ज़रूर करें। और अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे थे ना वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, और इन्हें भी मैं बहुत हल्के हाथ से इसके साथ मिक्स कर दूंगी। तो जब ड्राई फ्रूट्स हमारे चावलों के साथ पकेंगे ना तो सारे फ्लेवर्स जो हैं वो ड्राई फ्रूट के अंदर भी आ जाएंगे। आप इसमें केसर के स्ट्रैंड्स भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ज़र्दा पुलाव में। मैं ऐड नहीं कर रही हूँ लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल होना तो आप ऐड ज़रूर करें। और अब हम इसे ढक देंगे जब तक कि चीनी का जो पानी है ना वो सूख ना जाए। तो आप देख सकते हैं चीनी का पानी ऑलमोस्ट सूख गया है, देखिए। बस हल्का सा जो चीनी का पानी है ना वो अभी इसमें है, तो उस पानी को सुखाने से पहले ना हम इसमें एक दो चीज़ें और ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कलर, तो आपने ज़र्दा पुलाव जब भी खाया होगा ना देखा होगा एकदम कलरफुल ज़र्दा पुलाव होता है, तो इस तरह से ना मैं इसमें कलर ऐड कर रही हूँ। देखिए पहले मैंने ग्रीन कलर ऐड किया, अब मैं यहाँ पे लेमन कलर ऐड कर रही हूँ, तो इस तरह से ना मैं लाइन्स बना करके ऐड कर रही हूँ। और इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर दूँगी रेड कलर, आप चाहें तो बिना किसी कलर के भी इसे बना सकते हैं। इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दें तब भी ज़र्दा पुलाव में बहुत अच्छा कलर भी आएगा और टेस्ट भी आएगा। और अब मैं इसे ढककर 5 मिनट के लिए कम गैस पे पका लूँगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपके बर्तन का जो तला है ना वो थोड़ा सा हैवी हो, अदरवाइज़ चावल नीचे लग सकते हैं। और 5 मिनट के बाद देखिए ज़र्दा पुलाव एकदम बन करके रेडी हो गया है, तो इसे इस तरह से मिक्स कर लें और एकदम बढ़िया ना कलरफुल हमारा ज़र्दा पुलाव जो है ना वो बन करके रेडी हो जाएगा। और बच्चों को तो ये रेनबो राइस बहुत पसंद आते हैं, बच्चों को अगर आप ये कहेंगे ना कि आपके लिए आज हमने रेनबो राइस बनाए हैं तो वो खुशी खुशी से इसे खा लेंगे। और देखिए कितने यम्मी हमारा जो पुलाव है ना वो यहाँ पे लग रहा है। तो फ्रेंड्स फटाफट से इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इस ईद पे इसे ज़रूर ट्राई करें, देखिए कितना यमी ये लग रहा है। एक एक चावल का दाना जो है ना वो अलग अलग खिला खिला सा है और अच्छे से गला हुआ है, बहुत ही यमी लग रहा है। मेरे से तो बिल्कुल नहीं रुका जा रहा, मैं तो इस जा रही हूँ इसे ट्राई करने। और आप क्या करेंगे, आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को हो सके तो प्लीज़ फ्रेंड शेयर ज़रूर करें। और इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अच्छी ना लगी हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।